आज का वरदान, सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तो आत्मा भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। संपूर्ण देह को हल्का छोड़े, सर्व मांसपेशियों को एकदम हल्का, भ्रुकुटी आसन पर चमकती हुई ज्योति को देखें। मैं अजर, अमर, अविनाशी, चेतन शक्ति आत्मा हो। मेरा अस्तित्व अनादिकाल से सदा है, क्योंकि मैं स्वयं सदा शिव की अमरनाथ शिव बाबा की संतान हो। मैं आत्मा आज से 5000 वर्ष पूर्व अपने मूल वतन से सृष्टि के आदि समय पर इस कर्म क्षेत्र पर अवतरित हुए थे। स्मृति में लाए बिंदु शक्तिशाली आत्मा पवित्र दुनिया में कंचन काया में उस समय मैं कर्म इंद्रियों को स्वयं से अलग स्वतः अनुभव करती थी, और इसलिए मेरा हर कर्म अकर्म होता था। आत्मिक स्थिति में आत्मिक गुणों और शक्तियों से संपन्न होता था, पर सतयुग से त्रेता और त्रेता से द्वापर युग आते आते मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर कर्मेंद्रियों को ही अपनी पहचान समझने लगी, खुद को भूल गई और इन पंच तत्वों की प्रकृति को अपना अस्तित्व समझ हर कर्म करने लगी। अस्तित्व की इस भूल ने मुझ आत्मा से अनेक भूलें कराई। कर्मेंद्रियों और कर्मों के भान और अभिमान ने विकारों के प्रभाव ने
मुझसे अनेक विकर्म करा दिए। मेरे मन की शक्ति, बुद्धि की समझ को विकृत कर दिया और मैं आत्मा स्थूल कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने के उपरांत फिर सूक्ष्म कर्मेंद्रियों यानी मन द्वारा सोचकर और बुद्धि द्वारा समझकर पश्चाताप के दलदल में फंसती चली गई। कर्म करने की विधि को विपरीत करने के कारण विकर्मों का बोझ बढ़ता चला गया और देह भान वश कर्म करने के कारण मेरा हर कर्म विकृत होता गया, पापों का बोझ बढ़ता गया। महसूस करें अब इस संगम युग पर करण करावनहार शिव बाबा ने मुझे कर्म अकर्म विकर्म का यथार्थ ज्ञान देकर कर्मों को सुकर्म बनाने की सहज विधि बता दी है। फील करें शिव बाबा के साथ अपने रूहानी कनेक्शन को। अब मैं हर कर्म करने से पूर्व अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों मन द्वारा पहले सोचते हो संकल्पों को परमात्म श्रीमत के तराजू में तोलकर फिर बुद्धि द्वारा यथार्थ समझकर तदुपरांत स्थूल कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ। हर कर्म में परमात्म गुण परमात्म शक्तियों का रंग बिखेर कर करण करावनहार की याद की खुशबू डालकर फिर इस कर्म क्षेत्र पर करणहार बन कर्म करते हो। फील करें कर्म करने के इस श्रेष्ठ विधि को जो मुझे हर कदम में सिद्धि प्रदान करा रही है। मेरे हर बोल को हर कृति को श्रेष्ठ बना रही है। सर्व के लिए कल्याणकारी बना रही है। महसूस करें पश्चाताप के अंश और वंश से मुक्त अपने ज्ञानी तो आत्मा स्वरूप को
ओम शांति।